देश भर में किसानों के हित में निर्णय लेते हुए भारत सरकार ने खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया है, जिससे किसानों की आमदनी 1.5 गुना अधिक हो गई है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री राधा मोहन ने दी। इस दौरान उनके साथ हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ भी मौजूद थे। सरकार किसानों की आय को 1.5 गुना बढ़ाने के लिए सभी खरीफ फसलों के मूल्यों को निर्धारित कर किसान वर्ग को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। गुरुग्राम के न्यू PWD रेस्ट हाउस में केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने एक प्रेस वार्ता के दौरान देश के खजाने पर किसानों का पहला हक बताया और अपनी सरकार को किसान हितैषी सरकार बताया। वहीं दूसरी तरफ राधा मोहन ने यह भी दावा किया कि गन्ने के दामों में भी सरकार ने भारी इजाफा किया है, साथ ही आने वाले दिनों में कुछ और ऐसे फैसले लिए जाएंगे जिससे किसानों की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। बल्कि चुनाव के बाद भी हर जगह अपने भाषण में कहा कि किसानों को उसका जो किराया है, मानव श्रम है, बैल श्रम है, मशीन श्रम है, पट्टा भूमि के लिए अदा किया गया किराया है, बीज है, उर्वरक है, खाद, सिंचाई, प्रभार जैसे भौतिक आदानों के उपयोग पर व्यय, उपकरणों और फार्म भवनों का मूल्य ह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पंप सेटो आदि के परिचालन के लिए डीजल, बिजली, विविध व्यय, पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य, ये सबके 1.5 गुना है और उस काम को पूरा किया है। और आप अपने इलाके में ही पता करो कि क्या था बाजरा का कीमत। बाजरा का तो 50% था, उसको भी ज्यादा किया ऐसे दो। लेकिन आप पता करो रामतिल का, तिल का, इसी तरह से आप सूरजमुखी बीज का क्या था। सूरजमुखी जो बीज है उसका आपको 4100 रुपये था पिछली बार, अब जो हुआ है वो बढ़ के हो गया 5388 रुपये। ये 1.5 गुना करना। लागत जो आया, लागत आया 3592, अब हमको 1.5 गुना करना था। 17% पिछले बार बढ़ा था तो हम 20% बढ़ा के छोड़ सकते थे, लेकिन हमने 50% ज्यादा किया, 1.5 गुना किया, इसलिए इतनी भारी बढ़ोतरी हुई है। बल्कि हर जगह एक बात की चर्चा हमारे विरोधी भी जरूर कर रहे हैं कि ये अंतर जब होगा, जब समर्थन मूल्य से नीचे आएगा तो एक किसान को, और निश्चित रूप से हमारी सरकार आने के पहले तो धान और गेहूं छोड़कर बाकी की खरीदारी ही नहीं होती थी। आप रिकॉर्ड देखिए, इस 4 साल के अंदर हमने 64 मिलियन टन का सिर्फ दलहन तिलहन की खरीदारी की है, और हमारे पहले का पूरा इतिहास देखिएगा तो 8 लाख मेट्रिक टन की खरीदारी हुई थी। लेकिन अब हम नीति आयोग सभी राज्यों के साथ बातचीत किया है, एक तंत्र विकसित कर रहे हैं, जरूरत पड़ा तो हम रिवॉल्विंग फंड भी राज्यों को देंगे और इस सुनिश्चित करेंगे कि समर्थन मूल्य से जो दाम नीचे आए तो वो अंतर किसान को मिले। और इसके लिए नीति आयोग ने सभी राज्यों के साथ बातचीत किया है, 2-3 प्रकार के सुझाव भी दिए हैं, हम और बात कर रहे हैं और फिर कैबिनेट में भी ले जाएंगे और राज्यों के माध्यम से ये अब सुनिश्चित करेंगे जिसकी चिंता सब कर रहे हैं। राजनीतिक चिंता अलग विषय है, राजनीतिक चिंता तो करने वाले वर्षों से कर रहे हैं, दिन भर किसान के लिए नारा लगाना, गरीब के लिए नारा लगाना, पूरी रात दिन भर किसान को, गरीब को मजबूत बनाने का नारा, और रात भर निष्ठा अपने वंश को मजबूत बनाने का, तो उन नारों में हम नहीं जाना चाहते। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं जो सबकी चिंता है कि अंतर होने पर कैसे किसान को मिले। तो राज्यों से लगातार 2 महीना से नीति आयोग बात करके जो फार्मूला हमको दिया है, फिर हम राज्य से बात करके कैबिनेट में ले जाएंगे और ये जरूर राज्यों के माध्यम से हम सुनिश्चित करेंगे कि जब भी समर्थन से नीचे आए तो अंतर किसान को मिले। प्रथम तहलका के लिए गुरुग्राम से सतीश कुमार राघव की।